नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत ज्ञानेश्वर के इस YouTube चैनल पे। कल रात दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया, जिसमें कई सारी चीजें हमें देखने को मिली। पहली, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया पर उनका ईआर लिखा आ गया, बैक आ गई, जिसे आम तौर पे अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो इसको कहा जाता है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस सिंगल सब्जेक्ट में आप फेल हो गए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है वो है कि बच्चों के रिजल्ट में ए बी शो हो रहा है, जिसका मतलब होता है अब्सेंट है। लेकिन कई सारे बच्चे के मैसेज आए मेरे पास, उन्होंने ये कहा कि सर हमने ए एग्जाम दिया है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन मैं अभी आगे आपको अपनी इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले जिन बच्चों का रिजल्ट आया है आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। जो भी पास हो गए हैं अच्छे मार्क्स से पास हो गए हैं, फिफ्थ सेमेस्टर है उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है रिजल्ट, क्योंकि इसके बाद एक सेमेस्टर बच जाता है और फिर वो अपने आगे एमए की पढ़ाई के लिए या जो भी उनको करना है वो उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए ये फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट और सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी रिजल्ट में हम आपको रिवॉल्यूशन, रीचेकिंग और जैसे चीजों के बारे में भी बताएंगे जो कि रिजल्ट से ही संबंधित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो अब्सेंट शो हो रहा है उसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूं। जिसका भी अब्सेंट शो हो रहा है उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनको सिंपल से दो तीन स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले वो अपने कॉलेज जाए, एक एप्लीकेशन लिखे और अपने कॉलेज के एडमिट डिपार्टमेंट को सबमिट कर दें, ठीक है। उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपने जिस सब्जेक्ट के आपका एब्सेंट शो हो रहा है उस सब्जेक्ट की जिस डेट को एग्जाम हुआ है उसकी अटेंडेंस आपको प्रिंट करके दे दें। आप उस अटेंडेंस शीट को जो कॉलेज से आपको मिलेगी उसको अपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट करें, अटैच करें। आपका जो रिजल्ट आया है उसको अटैच करें, ठीक है। देन इसके बाद आप जिस भी पर्टिकुलर कैंपस में आपका कॉलेज है, लाइक मान लीजिए कि आपका कॉलेज नॉर्थ कैंपस में पड़ता है, साउथ कैंपस पड़ता है, तो आप वहां के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाइए और उसको सबमिट कर दीजिए। 15 से 30 दिन के अंदर में आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। या कई बार जब बल्क में होता है, जैसे कि मान लीजिए कि पूरी की पूरी क्लास का एब्सेंट शो हो रहा है, तो ऐसे मामलों में कॉलेज खुद ही एप्लीकेशन लेकर यूनिवर्सिटी सेंड कर देता है। ये डिपेंड ऑन कॉलेज होता है। ये था अब्सेंट जो शो हो रहा है उसकी बात। अब आ जाते हैं रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग, यानी जिन बच्चों को लगता है कि उनके मार्क्स कम हैं उनको कैसे क्या करना चाहिए, क्या उनको रिवैल्यूएशन भरना चाहिए या किसी की बैक लग गई है, ईआर आ गया है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो गाइज इसमें सिंपल सी बात है, आपको रिवॉल्यूशन के लिए क्या करना है, ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के एग्जाम के पोर्टल जो आता है वहां पे रिवॉल्यूशन का एक फॉर्म आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। रिवॉल्यूशन के फॉर्म को फिल कीजिए, अपने मार्कशीट को लगाइए और वहां पर पे का ऑप्शन है। पर पेपर आपको 1000 रुपए की फीस आपको पे करनी होती है, उस फी को पे कीजिए। उस फी जो आपने पे करी है उसके स्लिप की प्रिंटआउट लीजिए, अपने रिजल्ट का प्रिंटआउट लीजिए और जो फॉर्म है उसका प्रिंटआउट लेके उसको भर के कॉलेज से अटैच कराइए, कॉलेज से वेरीफाई कराइए। कॉलेज से वेरीफाई कराने के बाद उसको अपने पर्टिकुलर कैंपस, जो चाहे वो आपका कॉलेज नॉर्थ कैंपस में या साउथ कैंपस में, मान लीजिए कि आपका आपका कॉलेज मोतीलाल है या मान लीजिए कि आपका कॉलेज हंसराज है, तो हंसराज का कॉलेज जो हंसराज जो कॉलेज है वो नॉर्थ कैंपस पड़ता है, तो आपको नॉर्थ कैंपस में गेट नंबर 1 पर एग्जामिनेशन जो डिपार्टमेंट है वहां पर आपको उसको सबमिट करना है। ऐसे ही मोतीलाल रामलाल या ARSD सेंट श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, मैत्री कॉलेज, JMC कॉलेज, दयाल सिंह, देशबंधु, ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो साउथ कैंपस में पढ़ते हैं, तो आप लोगों को साउथ कैंपस में विंडो नंबर 6 या 7 पे आपको वो सबमिट करना है। ये था रिवॉल्यूशन का प्रोसेस, सिंपल सा, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने कॉलेज के एडमिन डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करना है और कोशिश करनी है कि कॉलेज आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दे। थैंक यू वेरी मच।
ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे भारत ज्ञानेश्वर के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।